और आप हमें जान जाएंगे। नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे तेज तर्रार क्रिकेटर से करवाने जा रहे हैं जो अपनी फील्डिंग की वजह से क्रिकेट प्रेमियों के बीच बहुत पॉपुलर है। जामनगर की मशहूर क्रिकेट फैमिली से होने के साथ साथ यह नौजवान खुद भी इंडियन टीम का मेंबर है। वैसे तो ये जनाब हैं गुजरात के, लेकिन रहते हैं दिल्ली में और नेशनल क्रिकेट में खेलते हैं हरियाणा से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए स्टार अजय जडेजा की। ग्रेट क्रिकेटर्स रणजीत सिंह और दलीप सिंह की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले अजय जडेजा का जन्म 1 फरवरी 1971 को गुजरात के जामनगर में हुआ। उनके पिता दौलत सिंह 1971 से 1991 तक कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। इस कारण अजय का ज्यादातर समय दिल्ली में ही गुजरा है। दिल्ली में ही उनकी पढ़ाई भी हुई और साथ ही वो क्रिकेट की बारीकियां भी सीखते रहे। 17 साल की एज में अजय ने नेशनल क्रिकेट में खेलना शुरू किया। 1990 में वो इंडियन टीम के साथ शारजाह भी गए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनर बैट्समैन के रूप में की। 1992 में हुए साउथ अफ्रीका के उस दौरे में वो कोई खास कामयाब नहीं हो पाए। इसका असर ये हुआ कि उन्हें टेस्ट मैचों में ज्यादा चांस नहीं दिए गए, लेकिन लास्ट ईयर जब न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई तो 3 साल बाद बंगलौर टेस्ट में अजय को फिर चांस दिया गया। यहाँ वो सफल रहे और उस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक बनाए, जबकि इस बीच हुए तमाम वनडे मैचों में उन्हें बराबर मौका दिया जाता रहा। 2 साल पहले कटक में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में तो उन्होंने शतक भी बनाया था। हाँ, वनडे मैचों में वो कभी ओपनर के रूप में उतरे तो कभी नंबर 6 पर बैटिंग की। वैसे तो वो बीच बीच में बॉलिंग भी करते रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर वो अब तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। पिछले साल जब भारत की टीम केन्या के दौरे पर गई थी तब उन्हें उस टीम का कैप्टन भी बनाया गया था। पिछले 4 सालों से स्ट्रगल कर रहा हरियाणा का ये ऑलराउंडर अब इंडियन टीम का रेगुलर प्लेयर बन गया है। अपनी बैटिंग और शानदार फील्डिंग की बदौलत ये खिलाड़ी क्रिकेट प्रेमियों के बीच खासा पॉपुलर होता जा रहा है। अजय, आपके फादर जाने माने कांग्रेस नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, आप पॉलिटिक्स में आने की बजाय क्रिकेट में क्यों आए? मैं सोचता हूँ जब मैं क्रिकेट में आया तो मुझे मालूम ही नहीं था पॉलिटिक्स क्या है या क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या होगा। करीबन 13 साल का था तब से ही जब मैंने सोचा कि क्रिकेट खेलना शुरू करें, जब ये सोचा भी मतलब नहीं था कि करियर होगा, शौक के लिए खेलते थे। कल को आप बहुत मशहूर क्रिकेटर हो जाएंगे, उसके बाद पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे जैसे नवाब पटौदी गए थे? अब कल का तो कुछ कह नहीं सकते, बल्कि अभी तो ऐसा कोई मेरी प्लानिंग या कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि पॉलिटिशियन बनना है, या अभी तो क्रिकेट खेलने का ही ध्यान है तो वही खेल रहे बस। आपकी फैमिली में कोई क्रिकेटर रहा पहले? रंजीत सिंह जी, जिनके नाम पे रणजी ट्रॉफी है, उनके नेफ्यू दिलीप सिंह जी और उनका ग्रैंड नेफ्यू मैं हूँ। किसी राज परिवार से भी आते हैं? जी, वही जामनगर परिवार से। तो आपके गॉड फादर कपिल हुए? क्रिकेट में जरूर कह सकते हैं आप। कपिल और आपका गुरु चेला का नाता है? जी बिल्कुल कह सकते हैं आप। अगर वो ना होते तो आपको क्रिकेट टीम में आना मुश्किल हो जाता, इंडियन क्रिकेट टीम में? ये तो अब कहना, आप ऐसे कहना तो मालूम नहीं, वो नहीं होते तो नहीं होता, लेकिन उनका काफी हाथ है मेरा क्रिकेट खेलने में। आपको लगता है कि किसी के जैक की जरूरत पड़ती है क्रिकेट टीम में आने के लिए? अगर जैक से ही खेल सकते तो फिर कोई भी खेलता, क्यों टाटा बिरला के बेटे नहीं खेले? खेल तो बहुत जरूरी है, लाइक्स और डिसलाइक्स जरूर रहते हैं। कोई भी प्लेयर है, जैसे अब मैं हूँ, मेरे भी कुछ नहीं है, लेकिन 2 प्लेयर रखोगे तो अगर दोनों ने 100 रन बनाए, मेरे को 1 पसंद ज्यादा होगा 1 कम होगा, लाइक्स एंड डिसलाइक्स का काफी फर्क पड़ता है। नहीं, आप भी ऐसे तमाम प्लेयर्स को जानते होंगे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन रणजी खेल के रह गए, उनको मौका नहीं मिला आगे आने का, इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आ पाए, ऐसा होता रहता है ना? उसकी जरूर कोई ना कोई वजह होगी, सिलेक्टर ने जरूर कुछ सोचा होगा कि ये फास्ट बॉलर को नहीं खेलते या स्पिनर को नहीं खेलते, या कुछ कोई ना कोई कमी जरूर देखी होगी जो जो पेपर में पढ़ने वाले या देखने वाले को नहीं मालूम पड़ता। इंटरनेशनल क्रिकेट की जब आपने शुरुआत की तो आप ओपनर बैट्समैन थे, आजकल आपका ऑर्डर चेंज कर दिया गया 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई खास वजह नहीं, ओपनर तो अभी भी हूँ और ये पिछले 5-6 मैचों में 5-6 नंबर खेला हूँ, क्योंकि टीम का कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि ओपनिंग भी करता आया हूँ मैं 2 साल तक, लेकिन जो ओपनर्स हैं वो इतने पुराने प्लेयर हैं और वो इतना बढ़िया कर रहे हैं 2-3 सालों से 4 सालों से, तो स्लॉट खाली नहीं हो रहा, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिला है मैं कोशिश करता रहा हूँ खेलने की,
जैसे 6 नंबर का स्लॉट खाली है तो 6 नंबर पे कभी 3 नंबर कोई नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरा भी वक्त ऐसा आएगा जब मैं पुराना सीनियर क्रिकेटर होऊंगा और तो कोई शायद यंगस्टर जरूर वेट कर रहा होगा विंग्स में कि उसकी बारी कब आएगी। तो उसको भी शुरुआत में जैसे किसी भी प्रोफेशन में आप देखो तो आपको जरूर पहले स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर ही आपको अपना नंबर या अपना सीट या जो भी कहते हैं वो मिलेगा। बैट्समैन का ऑर्डर चेंज होने से उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ जाता है? परफॉर्मेंस पे अगर आप देखो कि स्टैटिस्टिक्स वाइज तो जरूर फर्क पड़ेगा। अगर एक ओपनिंग बैट्समैन है या 3 नंबर 4 नंबर पे खेलता है तो उसको अपॉर्चुनिटी वन डे में ज़्यादा मिलती है कि रन लंबा बना सके, 60, 70, 80, 100 बनाए। और अगर कोई नंबर 4, 5, 6, 7 पे खेलता है तो उतनी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। अगर आप कह सकते हैं अरे उसने पिछले 10 मैचों में 100 ही रन बनाए, लेकिन क्या पता वो 20-20 रन बना के 4 मैच जिताए हों उसने। बीच में 3 साल के लिए आपको ड्रॉप कर दिया गया टीम से, उससे नहीं लगता कि आपके बेस्ट डेज निकल गए? टेस्ट मैच करीबन 11-12 मिस हुए जिनमें मैं 5 में तो टीम में भी नहीं था। तो क्योंकि मेरा अच्छा टूर नहीं गया, मैं अच्छा नहीं खेला, और जब मैंने अच्छा किया या मेरा डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया, वन डेज में अच्छा रहा, तो मेरे को चांस फिर मिल गया। तो वापसी की वजह क्या रही? वापसी की वजह यही रही कि कोशिश करते रहे और वन डे में कंसिस्टेंसी थोड़ी मेरी बेटर होती गई है जब से वापसी आया हूँ हीरो कप से। डे बाई डे ऊपर ही जाते जा रहे हैं। आपके साथ ये इत्तेफाक क्यों रहता है कि जब कोई बीमार पड़ता है, इंजर्ड होता है, तभी आपको मौका मिलता है? अतुल वासन बीमार हुए तो आपको मौका मिला, प्रभाकर बीमार हुए तो मौका मिला, और सिद्धू इंजर्ड हुए तब आपको दोबारा वापस लाया गया। मेरे साथ नहीं बल्कि ये किसी के भी साथ होगा। आप किसी भी नए प्रोफेशन में जाइए तो आपको सीधा उठा के तो मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं बनाते। मतलब इंडियन टीम में खेलना एक सबसे बड़ी पोस्ट है। तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि कोई बीमार हुआ तो मेरे को आगे सीधा खेलने का मौका तो मिला एकदम से। कई बार दर्शकों को बहुत बुरा लगता है कि अजय जडेजा ने 30 गेंदें बर्बाद कर दी और 2 रन बनाए। ये कौन सी सिचुएशन होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं? वो सिचुएशन अब बैट्समैन के ऊपर होती है। हर मैच में आदमी का टच में कितना है, कौन कितना खेल रहा है। किसी दिन आदमी अच्छा खेल रहा होता, किसी दिन नहीं खेलता, विकेट सूट कर रही है, कभी बॉलर सूट नहीं करता, कभी सिचुएशन मांगती है आपको आराम से खेलना। सबसे डर किस बॉलर से लगा आपको आज तक? मेरे को हर बॉलर से डर लगता है जी। स्पिनर से भी? स्पिनर से भी, क्योंकि कोई भी बॉलर आपको आउट कर सकता है और किसी भी गेंद पे, इसलिए मेरे को हर बॉलर से डर लगता है। सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ऐसे कुछ नहीं, मतलब डिफिकल्ट खेलने में मैं सोचता हूँ एक ब्रेड शुल्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के और फानी डिविलियर्स, वो 2 बॉलरों ने काफ़ी तंग किया। कौन सी फील्डिंग पोजीशन आपको सबसे अच्छी लगती है? वैसे तो कहीं पे भी मैं तो इंजॉय करता हूँ जहाँ खड़ा होता हूँ, लेकिन कवर पॉइंट पॉइंट पे फील्डिंग करने का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि गेंदें ज़्यादा आती हैं वहाँ, तो आप गेम में ही रहते हैं। और फर्स्ट स्लिप पे? फर्स्ट स्लिप पे गेंदें बहुत कम आती हैं। मेरे जैसे टेम्परमेंट वाले को मैं सोचता हूँ कि आउटफील्ड में मैं ज़्यादा बढ़िया रहता हूँ, क्योंकि वेटिंग गेम में शायद नहीं खेल पाता, क्योंकि जैसे स्लिप में आप खड़े रहे तो सारे दिन में एक बॉल आई कैच वही पकड़ना होता है, बल्कि पॉइंट पे कवर में खड़े हैं आपको 6 में से 4 गेंदें आपके पास आती रहती है, तो उससे गेम में रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं और मैं इंजॉय करता हूँ। जिस दिन आपको खबर मिली कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में ले गए हैं, उस दिन आपको कैसा लगा, कैसे खबर मिली? सबसे पहले बार जब मैं वर्ल्ड मतलब एक बार शारजा गया था जब अतुल बीमार था, तब तो मैं रूम में बैठा हुआ था, बॉम्बे कैंप चल रहा था 20 लोगों का, तो 20 में था मैं, टीम अनाउंस हो चुकी थी और मैं नहीं जा रहा था। फिर अतुल को लग गई थी चोट, तब एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप टीम में जा रहे हैं। उतनी एक्साइटमेंट उस टाइम नहीं हुई क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बल्कि जब मैं वर्ल्ड कप के लिए गया और मतलब कमबैक सही था जब टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी और दोबारा वर्ल्ड कप के लिए अलग टीम बनी, तब मैं उस साल मेरा काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक सीज़न गया था, बहुत बढ़िया गया था, और हमारा सीरीज ख़त्म हो गई थी तो मैं अपनी कॉलोनी में बैडमिंटन खेल रहा था, और मेरी क्लास का एक दोस्त है वो उसको बहुत शौक है क्रिकेट का, तो वो पता करता रहता था कि टीम क्या बनी, क्या हुआ क्या नहीं, तो उसने आके जब मुझे बताया तो एक ऐसी खुशी हुई कि जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो चीज़ आई, तो मतलब बहुत खुशी हुई। ये अनिल कुंबले के बाद एक बार फिर से स्पिनर्स का दौर आया, आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और फास्ट बॉलर्स फेज आउट करेंगे? नहीं, मैं सोचता हूँ इंडियन क्रिकेट को तो हमेशा स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया है, सिवाय एक दो टूर के जो अगर बाहर खेल रहे हैं, या बहुत रेयरली एक आध साल होगा जब इंडियन क्रिकेट को फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। जिस साल हम वर्ल्ड कप जीते उस साल शायद 5 के 5 फास्ट बॉलर खेल रहे थे। कभी कभी मैदान पर आपकी परफॉर्मेंस ऐसा लगता है, आपके एटीट्यूड या पोस्चर से ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट को बड़ा कैजुअली ले रहे हैं और करियर को इतना सीरियसली नहीं लेते? आप ये सोचते हैं कि जो दिखने से होता, जो मतलब आदमी दिखाता है, अगर वैसे होता और आप सोचते कि कैजुअली लेता, तो मैं तो नहीं सोच सकता कि कैजुअली लेके कोई इंडियन टीम में खेल सकता है या इंडियन टीम तक पहुँच भी सकता है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है कि कोई आदमी कैजुअली लेते लेते इंडियन टीम तक खेल जाए।